Hey guys, this is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, this video is sponsored by e-learn markets. ये एक ऐसा platform है जहां आप सीखते हैं कि stock market क्या है, trading कैसे होती है, investment कैसे की जाती है. Guys, अगर आपको stock market के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो भी आप यहां से सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें beginner level से लेके advanced level तक के फ्री और पेट कोर्सेज अवेलेबल हैं. फ्री और पेट कोर्सेज जो मैंने कहा है, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाले हूँ उसके ज़रिए आपको एक बहुत ही बड़ा कोर्स फ्री में मिलने वाला है. तो गाइज, इसमें वेबिनार्स भी हैं और जो कोर्सेज हैं वो कई भाषाओं में हैं, मतलब जो भाषा आप चुनना चाहेंगे वो आप चुन सकते हैं. लैंग्वेजेस के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली एंड मैनी मोर, बहुत सारी भाषाएँ ऐसी मिलेंगी जो आप अपने मर्जी के अनुसार चूज़ कर सकते हैं. ये सभी कोर्सेज NSE, MCX, NCDEX से सर्टिफाइड हैं. वेबिनार्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि मुनाफा कैसे कमाया जाए. इन कोर्सेज को पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इन्हें पा सकते हैं इनकी एप्लीकेशन पे. e-learn markets के नाम से एप्लीकेशन है. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखी है, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं. लाखों लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लिया है और वो फायदा उठा रहे हैं. अब आते हैं इसकी सबसे खास बात पे. अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में 4000 रुपये का एक कोर्स है जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं. जी हाँ, आपको एक कूपन कोड डालना होगा जिसके ज़रिए इस कोर्स की कीमत आपके लिए 0 रुपये हो जाएगी. आपको बिल्कुल भी कुछ भी पे नहीं करना होगा. वो कैसे करना है ये आप समझिए. जब आप इस कोर्स में एनरोल करने की कोशिश करेंगे तो जो भी चीज़ें उसमें पूछेगा आप उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन सारी डाल देंगे, लेकिन जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहां पर अवेलेबल ऑफर्स का भी ऑप्शन उसके नीचे होगा. वहां क्लिक करके आपको ये कूपन कोड डालना होगा जो मैं आपको दे रही हूं, और कूपन कोड है कनेक्ट, CONNECT. ये डालते ही इस कोर्स की कीमत हो जाएगी 0 रुपए और आप इसका फायदा उठा सकते हैं. तो गाइज, इसे जरूर से इंस्टॉल करें. ई लर्न मार्केट के जरिए आप स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं. जरूर इंस्टॉल करें. ऑन का यूज़ कब करें, अबव का यूज़ कब करें, इनका यूज़ कब करें, ऐट का यूज़ कब करें, अगर इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है. आज आप इसमें ऑल प्रेपोजिशन सीखने वाले हैं. वो सभी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन इसमें रहेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, चाहे रिटन हो या फिर स्पोकन इंग्लिश. तो गाइज, एक एक चीज़ को मैं कंपेयर करके बताऊँगी, मतलब पिक्चर्स के साथ आप सीखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, मतलब जब हम प्लेस के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगाएं. जैसा देख सकते हैं आपके सामने है ऑन और दूसरा है अबव. इन दोनों का फर्क क्या है इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले ऑन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. ऑन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन हम कब यूज करें इसका, क्योंकि अबव भी है, कभी कभी हम ओवर का भी यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं, ये सबको समझना बहुत जरूरी है, राइट. तो ऑन का यूज हम करते हैं जब कोई चीज सतह को टच करते हुए रखी हो. तो मान लीजिए कि ये जो पेन है ये मेरे हाथ पर है, तो मैं बोलूँगी द पेन इज ऑन माई हैंड, ये एक सतह हो गई. लेकिन आप देख सकते हैं मैंने दिखाया ये फैन, ये भी हम इसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे. ये जो सीनरी या फिर फ्रेम कह लीजिए, ये जो दिख रही है इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे. तो कैसे, तो आप ऐसे समझिए, ये एक कमरा है, ठीक है, ये जो कमरा है इसमें ये जो ज़मीन होती है फ्लोर, इसके लिए तो हम ऑन का यूज़ करते ही हैं. साथ ही साथ जो ये वॉल होता है, अगर इस पर भी कोई चीज़ टंगी हुई है तो क्योंकि ये भी एक सतह है, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं. साथ ही साथ ये जो सीलिंग होती है, छत, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी एक सतह है. तो सतह चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हम तीनों के लिए ऑन का यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं एक शेल्फ है, इस शेल्फ पर ये क्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से. तो हम बोल रहे हैं द क्लॉक इज़ ऑन द शेल्फ, लेकिन ये जो शेल्फ है ये खुद इस वॉल पर है, तो हम बोलेंगे द शेल्फ इज़ ऑन द वॉल. उसी तरीके से ये जो फ्रेम है इसे भी हम बोलेंगे द फ्रेम इज ऑन द वॉल, और ये जो फैन है द फैन इज ऑन द सीलिंग. क्लियर, आपके घर में
चारों दीवारों पर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस पर रखी हुई हैं, उससे लगी हुई हैं। अब आते हैं अबव, तो अबव का भी मतलब होता है ऊपर लेकिन सतह को टच न करते हुए, ठीक है। यहाँ ये जो है ये शेल्फ है एक, इस शेल्फ को ये घड़ी टच नहीं कर रही है, तो ये जो घड़ी है इसके लिए हम बोलेंगे ये घड़ी इस अलमीरा के या शेल्फ के ऊपर है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द क्लॉक इज अबव द शेल्फ। लेकिन क्योंकि वॉल की अगर हम बात करेंगे तो इस वॉल पर अगर बोलना है तब हम बोलेंगे ऑन द वॉल, दिस क्लॉक इज अबव द शेल्फ एंड दिस क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है, समझ में आ गया आपको बेसिक डिफरेंस इसमें, अब आप इसमें गलती नहीं करने वाले। अब आते हैं इनको समझते हैं और एट को समझते हैं। ये आप जानते हैं कि जब कोई एनक्लोज्ड स्पेस होता है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, अगर कोई चीज़ यहाँ रखी है तो भी हम इसमें इनका यूज़ करेंगे, लेकिन मे का सेंस दोनों ही देते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि लोग कहते हैं मैं घर में हूँ, फिर भी वो बोलते हैं आई एम एट होम, ठीक है, तो इन द होम क्यों नहीं बोलते। इस चीज़ को समझना इस तरीके से समझिए इसको कि जो घर होता है तो घर में आप जानते हैं कमरे तो होते हैं लेकिन घर में ही ये गार्डन भी है, तो जब हम बोलें आई एम एट होम तो इसका मतलब ये है कि मैं घर में कहीं भी हो सकती हूँ, हो सकता है मैं गार्डन में हूँ, हो सकता है मैं छत पे हूँ, हो सकता है मैं कमरे के अंदर हूँ, तो एट जो है वो बताता है लोकेशन को, अ पॉइंट। तो जब हम एट होम बोलते हैं तो वो घर की लोकेशन है, मैं घर में कहीं भी हो सकती हूँ। और जब इन बोला पर्टिकुलर तो हम कमरे की बात करते हैं, वो इनक्लोज स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, दे आर इन द रूम, ये कमरे में है तो बोलेंगे कि दे आर इन द रूम, और यहां पे ये अपने घर के गार्डन में है तो हम बोलेंगे दे आर एट होम, ठीक है, या फिर दे आर इन द गार्डन, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट अगर होम की बात करें तो एट होम बोल देंगे। अब कोई आ जाए इनके पास, यहाँ पर आ जाए और यहाँ कोई भी नहीं बैठा, तब पूछे वेयर आर यू, तब वो बोलेंगे आई एम इन द होम, कम इन, हम घर में हैं, घर के अंदर आओ, तब बोला जा सकता है जब पर्टिकुलरली आप ये बता रहे हैं घर के अंदर हैं हम, ठीक है। अब आते हैं इन फ्रंट ऑफ पे और बिहाइंड पे, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने और बिहाइंड मतलब पीछे, तो ये बॉल इस बॉक्स के सामने है, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, और ये बॉल इस बॉक्स के पीछे है, तो द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा इन फ्रंट के साथ आप ऑफ का भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडर समझेंगे बिलो समझेंगे, इन दोनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन क्या फर्क है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉल है ये बॉक्स के बिल्कुल नीचे है, लगभग आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स ने इस बॉल को कवर कर रखा है, तो अंडर हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ डायरेक्टली उसके नीचे हो या फिर उसने उसको कवर कर रखा हो, तब हम बोलेंगे द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये बॉल यहाँ आपको दिख रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसके नीचे हो, पहली बात ये इसे टच भी नहीं कर रही, आप देख सकते हैं, और यहाँ मान लीजिए रखते तो भी ये जो लेवल है बॉक्स ऊपर के लेवल पे रखा है और बॉल नीचे के, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसको कवर करे, ठीक है, लेकिन लेवल नीचे है तब हम इसका यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, ठीक है, लेवल नीचे है इसलिए। मान लीजिए यहाँ कोई विंडो पर कोई चीज़ रखी है या मान लीजिए विंडो पर एक कैट बैठी हुई है और आप नीचे बैठे हुए हैं तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग बिलो द कैट, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं बिटवीन समझेंगे, अमंग समझेंगे। बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो वस्तुओं के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, और अमंग यूज़ करते हैं दो से अधिक के लिए, व्यक्तियों या वस्तुओं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए ये जो रेड बॉक्स है, द रेड बॉक्स इज बिटवीन ब्लैक एंड येलो बॉक्सेस, इस ब्लैक और येलो के बीच में है, दो के बीच में। यहाँ ये जो लेडी है ये कई बॉक्सेस के बीच में बैठी हुई है, शी इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, क्योंकि दो से ज़्यादा हैं, जब दो से ज़्यादा हों तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। अब आते हैं नियर और फार फ्रॉम को समझेंगे। नियर मीन्स पास और फार मीन्स होता है दूर, लेकिन जब इसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो फार फ्रॉम का यूज़ करेंगे, तो दोनों को साथ में कीजिएगा। यहाँ देखिए द बॉल इज़ नियर द बॉक्स, इतनी पास में है, एकदम पास में रखा है, द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। यहाँ ये बॉल बॉक्स से दूर है, द बॉल इज़ फार फ्रॉम द बॉक्स, ये नहीं बोलेंगे फार द बॉक्स, बोलेंगे फार फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। अब देखिए आते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट पे। अभी तक हम जगह की बात कर रहे थे, कोई चीज़ कहाँ पर है, अब हम गति वाली चीज़ों की बात करेंगे। जब कोई चीज़ गतिमान अवस्था में है तब हम उसे किस तरीके से यूज़ करेंगे, गतिशील है,
जब कोई चीज़ गतिशील है तब हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, मूवमेंट हो रही है. अक्रॉस का, थ्रू का, दोनों का मतलब होता है इस पार से उस पार. लेकिन फ़र्क समझिएगा, ये एक पेपर है और इस पर एक लाइन खींच रहे हैं पेपर में. मान लीजिए ये पेपर है और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच दी, तो मैं बोलूँगी आई ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेपर, यहाँ से वहाँ कर दिया. ठीक है, उसी तरीके से ये नदी है, रिवर है और इस पुल से हम उस पार जाएंगे, तो मैं बोल रही हूँ आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के इस पार से उस पार मैं चली गई. ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे. यहाँ पर जो थ्रू यूज़ करेंगे इस पार से उस पार के लिए, ये एनक्लोज्ड स्पेस के लिए यूज़ होगा. जैसे कि ये विंडो है तो ये कुछ इस तरीके का शेप है. अब इधर से उस पार जब कोई चीज़ जाएगी, मतलब ऐसे ये बना हुआ है, अब इधर से मैंने मान लीजिए बॉल उधर फेंक दिया, तो मैं बोलूँगी द बॉल वेंट थ्रू द विंडो. ठीक है, क्योंकि वो विंडो से होकर उस तरफ चली गई, एनक्लोज्ड स्पेस. इसी तरीके से जैसे टनल होता है, टनल का ये शेप होता है, इधर से गाड़ी आएगी उधर चली जाएगी, तो मैं बोलूँगी आई वेंट थ्रू द टनल और द कार वेंट थ्रू द टनल. तो ये इस तरीके से स्पेस है, इधर से उधर हम गए, बंद हुआ स्पेस है, तो थ्रू और अक्रॉस खुले के लिए. क्लियर. अब आते हैं अलोंग को समझेंगे. इसका मतलब होता है सीधे जाने के लिए इसे यूज़ करेंगे और अराउंड घूम कर जाने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, ये रास्ता है, रोड है और ये लड़की सीधे रोड से किनारे किनारे चली आ रही है, तो हम बोल रहे हैं शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड. शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, क्योंकि सीधे सीधे आ रही है. यहाँ पे ये लेक है और ये लोग उसके बगल से मतलब घूमते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लेक है तो घूमी हुई सड़क बनी हुई है. दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक, तो वो लेक को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं. मान लीजिए ये रोड है और यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो, तो आप ऐसे घूम के जाएंगे तब आप अराउंड का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब देखिए आगे इनटू और आउट ऑफ. तो जब गति की बात करेंगे, एनक्लोज्ड स्पेस है, जैसे कि ये बॉक्स है. ठीक है, तो जब गति से कोई चीज़ गतिशील अवस्था में है, मतलब उसके अंदर जा रही है, तो हम इनटू का यूज़ करेंगे. द कैट इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स, ये कैट बॉक्स के अंदर जा रही है. इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना, और आउट ऑफ मतलब अंदर से बाहर के लिए यूज़ करेंगे. द कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स है इसमें से ये बाहर आ रही है. द कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अब देखिए ऑन टू को समझना है और ऑफ को समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों हम यूज़ करते हैं सरफेस के लिए. जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर रखी है तब तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर आ रही है गति के साथ, तो हम ऑन टू का यूज़ करेंगे. द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल, इस टेबल पर डॉग नीचे से जंप कर आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल. यहाँ ये जो एलमिरा है, ऑलरेडी यहाँ ये कैट बैठी हुई थी, अब ये यहाँ से कूद कर उससे अलग हो रही है, दूर जा रही है, इस पर आ नहीं रही, इससे दूर जा रही है, मतलब सतह से अलग हो रही है, तब हम बोल रहे हैं द कैट जम्प्ड ऑफ द एलमिरा. तो जब सतह पर कोई चीज़ आए तो ऑन टू यूज़ करेंगे, उस सतह से कोई चीज़ दूर हो जाए तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे. अब आते हैं अप को समझते हैं, डाउन को. अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे. तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये दो लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, गोइंग अप द स्टेयर्स, और यहाँ स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं, गोइंग डाउन द स्टेयर्स. क्लियर, अप एंड डाउन. अब आते हैं ओवर समझते हैं एंड अंडर. तो ओवर का मतलब ऊपर, नीचे के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर, और यहाँ गति की बात कर रहे हैं. वहाँ हम अबव का यूज़ कर रहे थे और ऑन का यूज़ कर रहे थे ऊपर, वहाँ गति नहीं थी. यहाँ क्या है कि ये देखिए फेंस है और ये डॉग उस तरफ से इस तरफ जंप कर रहा है. द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, तो अगर ऐसे कोई वॉल है, इधर से इधर कोई जंप करे, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब ये टेबल है और ये बेबी उधर से क्रॉल करते हुए यहाँ आ गया. द बेबी वेंट अंडर द टेबल, तो गति के लिए भी हम अंडर का यूज़ करते हैं, मूवमेंट के लिए. अब आते हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम. टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और अवे फ्रॉम का मतलब होता है से दूर. तो कोई चीज़ जब आपकी तरफ आ रही है तो आप बोलेंगे दैट थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, दिस बेबी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी. इस पिक्चर में द बेबी इज़ रनिंग टूवर्ड्स मी, ये दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहा है, आप बोल रहे हैं द बेबी इज़ रनिंग टूवर्ड्स मी. और इस पिक्चर में ये बेबी दूर जा रहा है, तो आप बोल रहे हैं द बेबी इज़ रनिंग
अवे फ्रॉम मी. तो कोई चीज़ किसी की ओर आए तो टूवर्ड्स, और कोई चीज़ किसी से दूर जाए तो अवे फ्रॉम. तो अब आपने सीख लिए वो सभी ट्रिकी प्रेपोजिशंस जिनकी जानकारी आपको ज़रूर से होनी चाहिए. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा. साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप सभी से करूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.